अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड स्टाइल विद सिद्रा। तो आज आपको जो मैं शेयर कराने लगी हूँ वो मैं कंपैरिजन करने लगी हूँ लाइफ विद आमना या किचन विद आमना का, विद आंटी शबाना आंटी के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ लाइफ विद आमना में, इन्होंने 2 डेज़ पहले एक वीडियो डाली है जो कि शॉपिंग की है और इसका टाइटल है क्रॉकरी शॉपिंग फॉर किचन विद आमना न्यू किचन। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ पे जो कुछ शेयर कराने लगी हूँ, अब ये देखिए ये लोग भी यूट्यूबर्स जो होते हैं ना वो बहुत ही अजीब सी हरकतें करते हैं, अदरवाइज़ मुझे पर्सनली ये लोग बहुत पसंद हैं। किचन विद आमना, इनका पूरा ख़ानदान जो है वो वीडियोज़ बनाता है, व्लॉग्स बनाता है, इनकी भाभी, इनकी नन, इनके सारे जो भी लोग हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। दे आर एजुकेटेड और बहुत सब कुछ सही है। अब हुआ ये कि जो बिलाल साहब हैं दे गेट मैरिड, उनकी शादी हुई समीना नाम की एक लड़की के साथ। अब हुआ ये कि जब उनके साथ शादी हुई तो स्टार्टिंग में इन लोगों ने सब ने मिल मिल के बहुत वीडियोस बनाए, एंड फिर वही बात आती है कि थोड़ा सा आपको अपना यूट्यूब का चैनल और पर्सनल जो लाइफ है वो थोड़ी सी डिस्टेंस में रखनी चाहिए, बट दे आर नॉट डूइंग दिस। अच्छा जी, ये जो किचन विद आमना है ये मुझे बहुत ही, आमना बहुत डिसेंट लगती हैं, बिलाल बहुत डिसेंट लगते हैं, इन सब बहन भाइयों में आयशा थोड़ी सी जो है मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी जल्दी से जज्बाती हो जाती हैं, या बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ओवर थिंकर होते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी से ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये, मुझे ऐसा लगता है कि इस व्लॉग में जो कमी थी वो सबसे आपने ऑब्वियसली शॉपिंग की, इट्स वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत डिसेंट और बहुत अच्छा टेस्ट है आप लोगों का, एंड बिलाल इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन। अगर आयशा के साथ आपके कुछ इश्यूज़ हैं तो आयशा को इसमें आना चाहिए, आयशा क्योंकि बड़ी सिस्टर हैं उनको बड़ापन दिखाना चाहिए, एंड जो भी छोटी मोटी बातें होती हैं उसको आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर एक बंदा अपनी वाइफ के साथ अलग रहना चाहता है तो लेट इट बी, आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ नहीं बांध के रख सकते। तो बेसिक इनकी जो ये वीडियो थी, ये देखें, ये कुकिंग की वीडियो थी, एंड शी इज़ वेरी नाइस, वेरी हम्बल और बहुत ही अच्छी थी। अच्छा, अब इसमें मैंने इनके कमेंट्स पढ़े तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते वो बहुत ही अच्छे और पॉजिटिव कमेंट्स थे, लेकिन कुछ जो कमेंट्स थे उसमें से वही इस टॉपिक, क्योंकि इन्होंने इसमें कोई समीना या बिलाल की बात नहीं की, ना आयशा की बात की, दे जस्ट गो फॉर जो है शॉपिंग और उन्होंने वहाँ शॉपिंग की, लेकिन लोगों ने इसमें उनको रिमेम्बर कराया कि जो है इसमें जो है आयशा मिसिंग है, और उन्होंने बीच में जो है इस वीडियो में एक प्रोडक्ट की भी वो किए जो कि गोरा होने के लिए। अच्छा, इन लोगों की वर्डिंग कुछ ऐसी होती है अजीब सी कि जो काले रंग के हैं या डार्क कलर के हैं, तो डार्क कलर इज़ व्हाट। अच्छा, अब इसमें लोगों ने कहा है कि ये इतनी पढ़ी लिखी नहीं है कि इतनी गहराई तक सोच सकें, तो ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से नहीं आती, आपको साथ रहने से और बहुत अच्छे माहौल से भी आती हैं। दे आर वेरी एजुकेटेड और बहुत ही अच्छे नाइस पर्सन हैं, इस तरीके से उल्टी पुल्टी बातें नहीं कहनी चाहिए लोगों को, और जो लोग ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है वो खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके खुद दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो किसी को भी कामयाब होता हुआ नहीं देख सकते। क्योंकि अब आप ये देखें, द किचन विद आमना जो है वो ग्रोइंग डे बाय डे, वो पहले एक छोटे से किचन में काम करती थी, फिर उन्होंने चेंज किया किचन, फिर अब दोबारा से किचन चेंज किया और बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा अच्छा सा किचन है। अब ये देखें, एक ये लाइफ विद उरूज एंड आमिर व्लॉग के नाम से एक बंदी है, इन्होंने भी जो कमेंट किया वो यही है कि बिलाल का चैनल जो है, ये किचन विद आमना जो है, ये आमना और आयशा के एफर्ट्स के बगैर जो है बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसलिए इन लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, और जो है ऐसा नहीं है कि आयशा को, वो थोड़ा सा आगे बढ़े, और एंड ऑब्वियसली तो ये पूरा इन्होंने बहुत लंबा सा लेंदी सा लिखा हुआ है कि, और स्टे ब्लेस्ड भी लिख दिया एंड में, यानी अपनी सारी बात भी कह दी दिल की और दुआ भी दे दी। तो ये पाकिस्तान में एक सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि सबसे पहले आप किसी को कुछ भी कह दो, एंड एट दी एंड आप उनको बोलो कि यार कोई बात नहीं यार, हो जाता है ऐसा। तो इसमें जो है इन्होंने बहुत अच्छा, इसके बाद जो है, आई थिंक दिस हैपन मेनली बिकॉज ऑफ ओवर पजेसिव बिहेवियर ऑफ बोथ समीना एंड आयशा टुवर्ड्स बिलाल, एल्स एवरीवन इन दिस फैमिली इज़ मैच्योर। या मैं भी बिल्कुल यही कहूँगी कि समीना का तो मुझे बिहेवियर नहीं पता, बट जो है आयशा इज़ वेरी पजेसिव, वो वीडियोज़ में भी नज़र आ जाती है कि किसी भी एक चीज़ को, बात को पकड़ के वो खींचती रहती हैं। तो नाउ वी कम टू वॉच द किचन कुकिंग विद आमना, जो कुकिंग विद शबाना, सॉरी, कुकिंग विद शबाना भी, जी ने भी रमज़ान के लिए जो है बहुत सारी शॉपिंग की है। अच्छा, इनका आप ये देखेंगे ना तो इनका चैनल भी इज़ ग्रोइंग डे बाय डे, और ये बहुत अच्छी कामयाबी के साथ जो है अपने चैनल को रन कर रही हैं। बीच में इन पर थोड़ी सी मुसीबतें आई थी, अदरवाइज़ शी इज़ वेरी वेल। अच्छा, ये लोग भी
आई डोंट नो कि अगर आप व्लॉग्स बनाते भी हैं तो, बट बहुत सारी ऐसी पर्सनल चीज़ें होती हैं कि एंगेजमेंट है, किसका निकाह है, ये इस टाइप की चीज़ें मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आपको नहीं शो करनी चाहिए, एज़ कि वो लाइफ एक सेटल हो जाए, जब जाके आप उसको शो करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अदरवाइज़ आप कुकिंग विद शबाना आंटी के अगर आप मैसेजेस कमेंट्स देखेंगे तो दे ऑल आर वेरी गुड और बहुत ही प्यार भरे मैसेजेस हैं, और पर्सनली मुझे ये दोनों व्लॉगर्स और इनकी कुकिंग बहुत अच्छी लगती है, कुकिंग विद शबाना आंटी की भी और किचन विद आमना भी। इन दोनों की ही जो फैमिलीज़ हैं ये, वो भी जितनी वीडियोस बनाती हैं मैं उन सब की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो ये देखें, ये इन्होंने जो है, नीचे मैं आपको इनके कमेंट्स ही दिखा रही हूँ, तो इनके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ये सारी वीडियोज़ जो है इंटरनेट पे मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, आप चाहें तो जाके आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये मैंने आज एक थोड़ी सी एफर्ट की थी कि मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके दिखाऊं और मैं बताऊं कि प्लीज़ उल्टे पुल्टे कमेंट्स ना क्या करें, बिकॉज दे ऑल हैव जो है अपने, उनके सीनों में दिल होता है, ऑब्वियसली वो जब बैठते होंगे फारे तो उन्हें वो हर्ट करती हैं चीज़ें, तो इस तरीके की हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई बात बुरी भी लगी है तो उसको बहुत हम्बल तरीके से अगर बोलें तो जो है बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, किचन विद कुकिंग विद आमना, वो कुकिंग विद शबाना आंटी भी जो हैं, ये एक ही वीडियो में जो है खाना भी पका लेती हैं, ये घर का व्लॉग भी दिखा देती हैं, जबकि इनको कुकिंग वीडियोस अलग दिखाने चाहिए एंड व्लॉग्स का इनका चैनल अलग होना चाहिए। ये मुझे एक थोड़ा सा लैकिंग लगता है इनके चैनल पर, अदरवाइज़ शी इज़ नाइस, शी इज़ फाइन। सो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।